दोस्तों आज का वीडियो है हमारे चेहरे पर जो खुले हुए रोम छिद्र होते हैं इनको बंद कैसे किया जाए। एक सिस्टर हैं जिनका की नाम है दीपिका ठाकुर, इनकी रिक्वेस्ट थी कि सर इस टॉपिक को लेके आप ज़रूर वीडियो बनाएं। दोस्तों यह चैनल मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं, केमिकल से बनी हुई क्रीमें जो आप खरीदते हैं इनसे पैसे बचाने के लिए ही मैंने ये खोला है। दोस्तों आपको जिस चीज़ जिस वीडियो की ज़रूरत है आप बस कमेंट में लिख दिया कर, मैं बाकायदा उसका वीडियो बनाया करूँगा और आपका नाम भी वीडियो में लिया करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो है रोम छिद्र को कैसे बंद किया जाए जो खुले हुए हो चुके हैं। दोस्तों मैं क्या क्या बताता हूँ, ध्यान से वीडियो को सुनना समझना और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लेना। तो अब मैं क्या मिश्रण बताता हूँ, अब ध्यान से सुनना वीडियो को। दोस्तों आपको आधी चम्मच गेहूं का आटा लेना है, जो छोटी वाली चम्मच होती ना, आधी चम्मच आपको गेहूं का आटा लेना है और आधी चम्मच आपको मसूर दाल का आटा लेना है और आधी चम्मच आपको शहद लेनी है और आधी चम्मच आपको नींबू का रस लेना है। ये चार चीज़ें आपको लेनी है और थोड़ा सा गुलाब जल या पानी कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो। इसको मिक्स करके एक लेप तैयार कर लीजिए और इस लेप को आपको अपने फेस पर लगा लेना है। हल्के हल्के हाथों से आप अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए और दोस्तों कम से कम आपको इस लेप को 30 मिनट तक तो लगा के ही रखना है। 30 मिनट के पहले पहले आपको अपना फेस नहीं धोना है क्योंकि यह सब मिश्रण आपके पूरे फेस पर लगा रहेगा तो जो आपके रोम छिद्र खुले हुए हैं उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। यदि आप 30 मिनट और 30 मिनट से यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए आपको कम से कम 30 मिनट तो ज़रूर ही लगा के रखना है। दोस्तों यह आप हर दिन कीजिए, केवल 7 दिन नहीं करना है। 7 दिन में आपको इसका असर देखने को आराम से मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको 7 दिन ही नहीं करना है, आपको इसको लगाते ही रहना है जब तक कि आपके फेस के पूरे रोम छिद्र पूरी तरीके से बंद ना हो जाए, आपका फेस एकदम चिकना और खूबसूरत ना हो जाए। इसको आप लगाते रहिए दोस्तों, 7 दिन में ही आपको असर देखने को मिल जाएगा। इसको आप हमेशा भी लगा सकते हैं, आपका चेहरा इतना चमकदार इतना सुंदर बनेगा कि आप देखते ही कहेंगे वाह यार ये वीडियो मैंने पहले क्यों नहीं देखा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको जरूर ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर लेना। नमस्कार।